Dear students, today we are going to study a very interesting drama, Nagamandala, from Semester 2 English Honors. And this is the third paper, Unit 3rd. This drama has been written by Girish Karnad. Today we are going to study Nagamandala, which is the Semester 2 ke third paper. Ka Unit 3rd is a drama, hai, play, hai, natak. Hai. जिसे गिरीश कर्नाड ने लिखा है. आइए हम लोग जानते हैं क्या खास है इस ड्रामा में. यह ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है. सबसे पहले जानते हैं अबाउट द प्ले राइट एंड द प्ले. सबसे पहले नाटककार और नाटक के बारे में जानते हैं. नागमंडला बाय गिरीश रघुनाथ कर्नाड इज अ प्ले ऑफ टू एक्ट्स रिटन इन 1987-88 एंड पब्लिश्ड इन द ईयर 1988. नागमंडला गिरीश रघुनाथ कर्नाड के द्वारा लिखा हुआ एक टू एक्ट प्ले है, जिसे लिखा गया 1987-88 में और पब्लिश हुआ 1988 में. इट इज़ अ प्ले वेयर मीथ टेक्स ओवर रियलिटी. इस ड्रामे में आप देखेंगे कि किस प्रकार जो मीथ है, जो पौराणिक कथाएं हैं, लोक कथाएं, कैसे वास्तविकता के ऊपर अपना कवर चढ़ा देती हैं, अपना लेयर चढ़ा देती हैं, कैसे वास्तविकता छुप जाती है, वो ही दिखाया गया है इसमें. गिरीश कर्नाड इज अ कंटेम्प्रेरी इंडियन प्लेराइट. गिरीश कर्नाड जो हैं एक समकालीन भारतीय नाटककार हैं, एक्टर हैं एंड मूवी डायरेक्टर इन कन्नड़ लैंग्वेज. और वे मूवी डायरेक्टर भी हैं कन्नड़ लैंग्वेज के. उन्होंने बहुत सारे हिंदी फिल्मों में भी काम किया है. ही इज एमंग द सेवन रेसिपाइंट्स ऑफ जनपीठ अवार्ड फॉर लिटरेचर. वे सातवें ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जनपीठ अवार्ड से नवाजा गया लिटरेचर में. तो ये है अबाउट प्ले राइट एंड प्ले. आइए जानते हैं कि हु आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले. ड्रामा के कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं. रानी जो कि एक प्रोटेगोनिस्ट है और हीरोइन है ऑफ द प्ले, वाइफ ऑफ अपन्ना, और ये अपन्ना की पत्नी है. अपन्ना द केयरलेस हस्बैंड ऑफ रानी. अपन्ना जो है वो हस्बैंड है रानी का, जो कि बहुत केयरलेस है. कुरुद्दवा अ ब्लाइंड ओल्ड लेडी. कुरुद्दवा एक ओल्ड लेडी है जो कि अंधी है. कपन्ना द सन ऑफ द ओल्ड ब्लाइंड लेडी. कपन्ना जो है वो बेटा है उस बूढ़ी औरत का. नागा जो कि किंग कोबरा है. सो दीज आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले. ठीक है. सोर्स ऑफ द प्ले. ये नाटक कहां से आया, इसका सोर्स क्या है. द प्ले नागमंडला मीन्स अ प्ले विथ कोबरा. यह एक खेल है नाग के साथ, कोबरा के साथ. इज बेस्ड ऑन टू ओरल कन्नड फोक टेल्स ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश. जो कि दो कन्नड लोक कहानियों में से लिया गया है इसको, जिसको बाद में ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में. ही हैड हर्ड फ्रॉम हिज मेंटर फ्रेंड एंड वेल नोन पोएट ट्रांसलेटर एंड फिलोलॉजिस्ट ए के रामानुजन. यानी ये जो कहानी है, गिरीश कर्नाड ने अपने मेंटर, एक तरह से गुरु कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं, और वेल नोन पोएट हैं, ट्रांसलेटर भी हैं, फिलोलॉजिस्ट भी हैं, जिनका नाम ए के रामानुजन है, उनसे सुना था. टू हुम कर्नाड ऑल्सो डेडिकेटेड द प्ले. बाद में जब इस ड्रामा को इंग्लिश में उन्होंने लिखा तो इसे डेडिकेट किया, उनको समर्पित किया. थ्रू द इंटरेस्टिंग ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री एंड मीथ. इसमें दो चीज़ों का मिक्सचर देखने को मिलेगा, इतिहास का भी और मीथ का, पौराणिक कथाओं का. ही टॉक्स अबाउट सोशियो कल्चरल इश्यूज ऑफ इंडिया. यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक इशू जो है इंडिया का, उसे दिखाया गया है बहुत भली भांति. तो दिस इज द सोर्स ऑफ द प्ले, जहाँ से इसको लिया गया है. नाउ वी सी रानी, अपन्ना, नागा एंड लव रूट. ये क्या कनेक्शन है हम लोग देखते हैं. रानी इज अ यंग ब्राइड. रानी की शादी हाल में हुई है, एक वधु है. हु इज नेग्लेक्टेड बाय हर इनडिफरेंट एंड अनफेथफुल हस्बैंड अपन्ना. रानी की जो शादी हुई है अपन्ना से हुई है, जो कि एक अनफेथफुल हस्बैंड है. उसका चक्कर किसी और औरत के साथ चल रहा है, जिससे वो शादी नहीं करता है, वह उसकी रखेल है. अपन्ना स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम विथ हिज कंक्यूबाइन एंड कम्स होम ओनली फॉर लंच. वो हमेशा उस औरत के साथ रहता है, उसके साथ उसका सेक्सुअल रिलेशन है, और वह सिर्फ लंच के समय घर आता है. ही येल्स एट हर इवन एट ट्रिफल्स. और वह अपनी पत्नी पर चिल्लाता है छोटी छोटी गलतियों पर भी. रानी इज वन ऑफ दोज टिपिकल वाइव्स हु वॉन्ट्स टू विन हर हस्बैंड्स अफेक्शन एट एनी कॉस्ट. रानी वैसी औरतों में से एक है जो अपने पति का प्यार किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है. द ओल्ड ब्लाइंड लेडी कुरुद्दवा hears everything from her window. और जो ओल्ड ब्लाइंड लेडी है रुद्दवा, वह खिड़की से इन सारे लोगों की, इन दोनों की जो लड़ाई है उसको सुन लेती है.
शी एडवाइजेज रानी टू यूज लव रूट, और उसे एक लव रूट देती है, जिसे कहती है कि इसे अगर मिलाकर खिला दिया जाए पति को तो वह उससे प्रेम करने लगता है। इन एन अटेम्प्ट टू डू सो शी डिसाइड्स टू ड्रग हर हस्बैंड विथ अ लव रूट। पहली बार उसे एक छोटा रूट मिलता है, बाद में बड़ा रूट मिलता है, तो पहली बार जब वह खिलाती है अपने पति को तो उस पर कोई असर नहीं होता है, तो इस बार वह लव रूट जो है वो बड़ा लव रूट जो है उसको देती है। विश शी मिक्सेज इन द करी, इस बार वह करी में डाल देती है, लेकिन उसको इस पर विश्वास नहीं होता है, तो वह करी को, जो बना हुआ करी होता है खाने वाला, उसको वो फेंक देती है। दैट करी इज स्पिल्ड ऑन द नियर बाय एंटिल, एक एंटिल है जिसको कहते हैं दीमक का बड़ा सा होता है ना, जिसमें नाग वगैरह सांप वगैरह रहता है, उस पर फेंक देती है। एंड नागा द किंग कोबरा ड्रिंक्स इट, और उसमें रहने वाला नाग जो है वो किंग कोबरा उसे पी लेता है और उसका असर उस पर हो जाता है, यानी किंग कोबरा को रानी से प्रेम हो जाता है। ठीक है, सो हियर इज द स्टोरी, चेंज इन रानीज लाइफ। अब रानी के जीवन में क्या परिवर्तन आता है, नागा हु कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, नाग जो कि एक इच्छाधारी नाग है वह किसी भी मनुष्य का रूप धारण कर सकता है, इज एंचैंटेड विथ हर, उसके तरफ आकर्षित हो जाता है, लव रूट एंड बिगिंस, ठीक है, उसके लव रूट के कारण उसके तरफ आकर्षित हो जाता है, एंड बिगिंस टू विजिट हर एवरी नाइट इन द फॉर्म ऑफ हर हस्बैंड अपन्ना, और वह अपन्ना का रूप ले लेता है, उसके पति का रूप लेकर उसके साथ हर रात मिलने जाता है। नागा अप्रोचेज हर इन रोमांटिक वे, और नागा जो है वो चूंकि वो अपन्ना तो है नहीं तो रोमांटिक तरीके से उससे मिलता है, एंड प्रोमिसज टू मीट हर एट नाइट ओनली, और उससे वादा करता है कि सिर्फ रात में ही वो ऐसा कर सकता है। दिस चेंजेज रानीज लाइफ कंप्लीटली, और यह रानी के जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर देता है, एज शी स्टार्ट्स टू एक्सपीरियंस द गुड थिंग्स इन हर लाइफ, अब उसे अपने जीवन में अच्छी चीज़ें महसूस होने लगती हैं जो कभी उसने सोचा भी नहीं था। सी नेवर नोज दैट द पर्सन विथ हर इज नॉट हर हस्बैंड, वह कभी नहीं जान पाती है कि जो व्यक्ति उसके साथ रह रहा है वह उसका हस्बैंड नहीं है बट द नागा, बल्कि वो नाग है। हु बिहेव्स डिफरेंटली ड्यूरिंग द डे, जो कि दिन में अजब व्यवहार करता है। शी इज क्वाइट इनोसेंट अबाउट ऑल दीज, इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल वह निर्दोष है, कुछ भी नहीं जानती है, अनजान है। वेन शी आस्क अबाउट हिज डिफरेंट बिहेवियर ही टेल्स हर टू कीप इट अ सीक्रेट, जब वह पूछती है कि आप दिन में अलग व्यवहार करते हो, रात में कुछ अलग व्यवहार करते हो, तो वह कहता है कि इसे एक रहस्य रखना और इसे रहस्य ही बनाकर रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रात में ही अच्छा व्यवहार कर सकता हूँ। इस तरह से वो कन्विंस कर लेता है, शी इज कन्विंस्ड एनीवेज, और वह कन्विंस हो जाती है, रानी को प्रेम पाने से मतलब था। रियलिटी ऑफ नागा, लेकिन नाग की रियलिटी एक बार पता चल जाती है, लेकिन वह फिर भी कन्फ्यूज्ड है, रानी कन्फ्यूज्ड है। वन नाइट रानी नोटिसेस ब्लड ऑन नागाज बॉडी एंड रन्स टू ब्रिंग ऑइंटमेंट, बट शी सीज द रिफ्लेक्शन ऑफ कोबरा इन द मिरर, बट वेन शी टर्न्स टू द बेड शी फाइंड्स नो कोबरा। एक रात जब वह नागा आता है अपन्ना के वेश में, उसके शरीर पर ब्लड लगा रहता है, ठीक है, तो वह दौड़कर मरहम लाने के लिए जाती है, जब देखती है कि वह रिफ्लेक्शन देखती है, यानी नाग को देखती है मिरर में, जहाँ पर वह अपन्ना बैठा हुआ था, यानी नाग जो बैठा हुआ था अपन्ना के रूप में, उसका रिफ्लेक्शन आईने में नाग का दिखाई पड़ा था, लेकिन जब उधर मुड़ती है तो देखती है वहाँ कोई नहीं है, बल्कि उसी स्थान पर अपन्ना बैठा हुआ है। विद द सनराइज नागा वैनिशेस, और जैसे ही सुबह होती है नाग गायब हो जाता है। कपन्ना एंड कुरुदवा विजिट्स रानी एंड अपन्ना एंड फाइंड्स अ कोबरा कमिंग आउट ऑफ द ड्रेनेज। एक दिन कपन्ना और कुरुदवा जो है वो मिलने के लिए जाते हैं रानी और अपन्ना से, देखते हैं कि एक नाग जो है वो नाली से होता हुआ निकल कर जा रहा है, ठीक है। रानी टेल्स दैट हर हस्बैंड हैज जस्ट गॉन आउट, रानी बताती कि उसका हस्बैंड जो अभी तुरंत गया है बाहर, बट बोथ कपन्ना एंड मदर से दैट दे आर देयर फॉर हाफ एन आवर, वो बताते हैं कि आधे घंटे से वो यहाँ खड़े हैं, एंड नॉट सीन अपन्ना कमिंग आउट ऑफ द हाउस, और अपन्ना को उन्होंने आते देखा नहीं घर से, बट अ कोबरा, बल्कि एक नाग को देखा। रानी इज कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड, अब रानी जो है बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाती है कि ये वास्तविकता क्या है, बेचारी वो कुछ जानती नहीं है। फाइट बिटवीन नागा एंड मैंगोज, यानी नाग और नेवला के बीच में एक बार लड़ाई होती है। कपन्ना एल्स एट रानी दैट हिज डॉग इज डेड एंड ही ब्रिंग्स अ मैंगोज, एक दिन कपन्ना कहता है कि उसका कुत्ता जो है वो अचानक मर गया, शायद उसी नाग ने मारा होगा, तो एक दिन वह एक नेवला लेकर आता है। देर इज अ सीवियर फाइट बिटवीन द नागा एंड द मैंगोज, और
नाग और नेवले के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई होती है। नागा इज सीवियरली इंजर्ड, जिसमें नाग बिल्कुल घायल हो जाता है एंड डिसअपीयर्स फॉर 2 वीक्स, और 2 सप्ताह के लिए वह गायब हो जाता है और रानी से मिलने नहीं आता है। नाउ द स्टोरी टेक्स टर्न, अब कहानी आगे मुड़ जाती है। प्रेगनेंसी ऑफ रानी एंड अपन्नाज एंगर, अब रानी जो है प्रेग्नेंट हो जाती है और अपन्ना का गुस्सा 7वें आसमान पे, क्यों? क्योंकि वह तो अपनी पत्नी के साथ रहता नहीं है, तो आखिर वह प्रेग्नेंट कैसे हुई? वन ऑफ दीज डेज शी गेट्स प्रेग्नेंट एंड ब्रेक्स द न्यूज टू अपन्ना। अब क्या होता है, एक दिन वह यह खबर देती है अपने पति अपन्ना को कि वह प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। ही इमीडिएटली एक्यूजेस हर फॉर अडल्ट्री एंड सेज दैट ही हैज नॉट फादर्ड द चाइल्ड। अब क्या है कि वह उस पर सीधे सीधे व्यभिचार का आरोप लगाता है कि वह उल्टा है, यानी उसके जो चरित्र पर है वह दाग लगाता और कहता है कि वह उस बच्चे का बाप नहीं है। द इशू इज रेफर्ड टू द विलेज पंचायत, और यह बात जो है गांव के पंचायत तक पहुंच जाती है। शी इज देन आस्क्ड टू प्रूव हर फिडेलिटी बाय पुटिंग हर हैंड इन द स्नेक बुरो एंड टेकिंग अ वो दैट शी हैज नॉट कमिटेड अडल्ट्री, और उसे कहा जाता है अपनी फिडेलिटी को, अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए उस नाग के बिल में हाथ रखकर, और वह कसम खाए कि उसने अडल्ट्री नहीं की है, व्याभिचार नहीं किया है, उसके चरित्र पर कोई दाग नहीं है। इट इज़ अ पॉपुलर बिलीफ दैट, या एक पॉपुलर बिलीफ है वहाँ, यानी वहाँ का एक मानना है लोगों का, दैट इफ़ एनी पर्सन लाइज, अगर कोई आदमी झूठ बोलता है, होल्डिंग द स्नेक इन देयर हैंड, अपने हाथ से नाग को पकड़कर, दे विल बी इंस्टेंटली किल्ड बाय द स्नेक गॉड, उस नाग के द्वारा उसे डस लिया जाता है और मारा जाता है। ही लॉक्स हर इन द हाउस, वह अपनी पत्नी को घर में बंद कर देता है। उसी समय द नागा विजिट्स हर एंड टेल्स व्हाट टू डू इन पंचायत, और नागा बताता है कि कल पंचायत में उसे क्या करना है, ठीक है, यानी वह बता देता है कि अगर वह अपना हाथ डालेगी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नागा ही तो उस बूरो में रहता था। चैस्टिटी टेस्ट ऑफ रानी, अब उसकी पवित्रता का टेस्ट होता है पंचायत के सामने। She does place her hand in the snake burrow and pulls out the cobra and puts like a garland around her neck. वह क्या करती है, हाथ डालकर उस बिल में कोबरा को निकालती है और अपने गले में बिल्कुल नागमाला पहन लेती है, ठीक है, and vows, और कसम खाती है that she has never touched any male other than her husband and the naga in the burrow. और वह कहती है कि अपने पति और इस नाग को छोड़कर मैंने आज तक किसी को टच नहीं किया है। शी इज डिक्लेयर्ड चेस्ट बाई द विलेज पंचायत, और गांव के पंचायत के द्वारा उसे पवित्र घोषित कर दिया जाता है। हाउएवर हर हस्बैंड इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, लेकिन उसका पति यह मानने को तैयार नहीं है। शी इज प्रेग्नेंट विद हिज चाइल्ड एंड डिसाइड्स टू फाइंड आउट द ट्रूथ बाई स्पाइंग ऑन द हाउस एट नाइट, और वह मानने को तैयार नहीं कि जो प्रेग्नेंट है वह उससे है, यानी अपन्ना का यह बच्चा है, और वह सच्चाई जानने के लिए स्पाइंग करता है, जासूसी करता है रात को अपने घर में, ठीक है। अपन्ना क्या कर रहा है, जासूसी कर रहा है अपनी पत्नी का। फाइट बिटवीन नागा एंड अपन्ना, अब कहानी यहां मोड़ लेती है। अपन्ना इज शॉक्ड टू सी द नागा विजिटिंग रानी इन हिज फॉर्म, अब देखता है अपन्ना कि रानी के घर में, रानी के कमरे में अपन्ना बनकर नाग जो है एंटर कर रहा है। स्पेंडिंग टाइम विथ हर एंड देन लिविंग द हाउस, और उसके साथ समय बिताकर वह घर छोड़कर जा रहा है। अपन्ना गेट्स फ्यूरियस, अपन्ना बहुत गुस्से में आता है विद द नागा एंड इंडल्जेस इन अ फाइट विथ हिम, और उससे लड़ाई करता है, ठीक है। बोथ ऑफ देम फाइट विगरसली एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द नागा टेक्स द फॉर्म ऑफ द स्नेक एंड एस्केप्स इनटू द बुरो, और लड़ाई के दौरान इतनी भयंकर लड़ाई होती है कि अंत में नाग जो है वह सांप के फॉर्म में आ जाता है, यानी आदमी से सांप के फॉर्म में आ जाता है और अपने बिल में जाने लगता है। The villagers see the snake escaping, और गांव वाले देखते हैं कि सांप भाग रहा है, into the burrow and kill it, और वह उसे मार डालते हैं उसके बिल में जाने से पहले। Before dying, मरने के पहले, the snake comes to Rani and reveals the truth to her, और इसके पहले कि वह मरता, नागा मरता, सच्चाई जो है वो रानी को बता देता है। However, after this incident, इस घटना के बाद, अपन्ना realizes his mistake, अपन्ना जो है अपनी गलती महसूस करता है, एंड ही एक्सेप्ट रानी अलॉन्ग विद द चाइल्ड शी इज कैरिंग, वह अपनी गलती महसूस कर कर रानी और उस बच्चे को अपना लेता है। तो इस तरीके से इस ड्रामा का अंत होता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द ड्रामा कम्प्लीटली।
आप ड्रामा को पूरी तरह समझ गए होंगे। आई होप दैट यू इन्जॉयड। एक फिल्म भी बनी है इस कहानी पे और बहुत सारी फिल्में बनी हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स, तो आप लोग फिल्मों में भी देख सकते हैं। सो आई होप दैट यू इन्जॉयड इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट। हैव अ गुड डे। बाय बाय।